नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 25 फरवरी के सुबह 11 बजे से जय दोस्तों यह समय से आपके जीवन काल में माँ भवानी, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से बड़े चमत्कार होने वाले हैं। जय दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय शुक्रवार का दिन होगा, यानी माँ लक्ष्मी, माँ भवानी और माँ सरस्वती के परम दिनों में से एक महत्वपूर्ण दिन होंगे और यश में इनके आशीर्वाद से आपके जीवन काल में बड़े चमत्कार होने वाले हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसे बड़े बदलाव होंगे और कुछ ऐसे ही बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं जिनसे आपको लाभ ही लाभ और बड़ी कामयाबी हाथ लगने वाली है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय से आपके जीवन काल में धन को लेकर समस्याएं खत्म होने वाली है, क्योंकि मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको यश में घर से जुड़े और कार्यस्थल से जुड़े सभी कार्यों में आपको लाभ देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में पेशों को लेकर जो भी किल्लत है सभी खत्म होने वाली है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि माँ भवानी के आशीर्वाद से आपके जीवन से जुड़े सभी दुश्मनों का नाश होगा, यश में आपके रास्ते बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आपके मन मस्तिष्क में नए ख्याल आएंगे और इन नए विचारों का प्रयोग करके आप अपने जीवन में यथासंभव लाभ कमाएंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें अगर आप यशमी ग्रहों की स्थिति के साथ साथ सावधानियों को भी रखेंगे तो दोस्तों आपका जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा और आने वाले समय आपके लिए राजा से कम नहीं होगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में अंतराल में आखिर आपको कौन से क्षेत्रों को लेकर सावधान भी रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। माँ लक्ष्मी, माँ भवानी और माता सरस्वती के आशीर्वाद से आपके पारिवारिक जीवन में घर के माहौल में क्या क्या सुधार होंगी और यह ग्रह गोचर आपको कौन सी बड़ी उपलब्धि देने वाली है। तो दोस्तों अंत तक ध्यान से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखिएगा, गुरु जी का और माता रानी का सदैव आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों दिन उन्नति कारक है, आपकी प्रतिभागता के अनुरूप आपको अपने कार्यों के उचित परिणाम प्राप्त होंगे, काम काज व फिर करियर को महत्व देंगे, परंतु पहली प्राथमिकता आपकी परिवार ही रहेगी। दोस्तों यश में संतान की विवाह को लेकर कुछ योजनाएं व फिर गतिविधियां रहेंगी। दोस्तों यश में दोपहर के बाद का कुछ समय हानिकारक रहेगा, मन में बेचैनी सी महसूस होगी, किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह से उन्हें अवश्य पढ़ लें। बच्चों की जिद्दी व फिर अड़ियल रवैया आपको चिंता में डाल कर सकता है। और दोस्तों यह समय युवा वर्ग को अपने लक्ष्य के लिए जो है ज्यादा एकाग्र रहने की आवश्यकता होगी। वही दोस्तों आज के दिन खुद के द्वारा खुद पर ही डाले गए बंधनों से आजाद होने की कोशिश करें। दोस्तों सीमित दायरे में रहकर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति आपके बारे में औरों द्वारा बोली गई बातों से बनी है, इसलिए दोस्तों इन्हें वास्तविक समझने की गलती ना करें। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके लिए जो दिन होंगे, दोस्तों आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देंगे, साथ ही अपनी जो भी आपकी हॉबी है, हॉबी संबंधी कार्यों में यश में आपकी रुचि रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद यश में आपके ऊपर बना रहेगा। सामाजिक कल्याणकारी संस्था में आपके उत्तम योगदान की वजह से आपकी वाही वाही तथा प्रशंसा होगी। इसके बाद दोस्तों यह समय दूसरों के पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करने तथा किसी प्रकार की आलोचना करने से आप स्वयं ही मुसीबत में पड़ सकते हैं। पारिवारिक मसलों में आपको जो है संजीदगी तथा गंभीरता से काम लेने की आवश्यकता होगी। दोस्तों यह समय वाहन संबंधी खर्चों की अधिकता रह सकती है। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके जो दिन होंगे, जीवन में आगे बढ़ते समय आपको सबके प्रगति के साथ अपने आप पर निर्भर होने की आवश्यकता होगी। आपको नेतृत्व गुण की वजह से लोग आपके पास जो है सलाह लेने भी आ सकते हैं।
दोस्तों आज के दिन खुद के काम को नजरअंदाज करके दूसरों को काम करने की बिल्कुल ना सोचें। वही दोस्तों यश में कोई शुभ समाचार मिलने से मन में प्रसन्नता भी बनी रहेगी। रुपये पैसे की आवक के लिहाज से समय की जो गति है यह आपके पक्ष में होगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक अथवा सामाजिक आयोजन में भाग लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। विवाह योग्य व्यक्तियों की विवाह की बात भी यश में आगे बढ़ेगी। परंतु दोस्तों दिन के दूसरे पक्ष में कोई अप्रिय सूचना या फिर संदेश मिलने से मन जो है व्यथित रहेगा। दोस्तों यह समय पिता पुत्र से किसी प्रकार की वैचारिक मतभेद रह सकता है। विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान आएंगे। जिद अथवा आवेश में वे अपना नुकसान कर सकते हैं, तो दोस्तों यह समय संभल कर रहे। इसके उपरांत यह समय आप जो है काम और परिवार में योग्य संतुलन बनाकर रखें। घर और काम संबंधित जिम्मेदारियां आप निभा पाएंगे। दोस्तों जिम्मेदारियां निभाते वक्त आपकी जो आपके प्रति जो जिम्मेदारी बनती है इस बात को ध्यान में रखें, खुद की पसंद नापसंद दूसरों पर यश में ना थोपे। यश में दिल के बजाय आप दिमाग से काम लें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। दोस्तों यश में ग्रह स्थिति आपके पक्ष में बनी हुई है, अतः अपने काम को पूरी गंभीरता व फिर संजीदगी से आप अंजाम दें। भविष्य को लेकर कोई भी सकारात्मक योजना यश में बन सकती है। राजकीय कार्यों को सुलझाने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी आवश्यक होगी। दोस्तों आपके कुछ नजदीकी लोग ही आपके खिलाफ कुछ नकारात्मक वातावरण बनाएंगे, परंतु दोस्तों यह समय इसका कुछ भी दूषित परिणाम आप पर हावी नहीं हो पाएगा। खर्चों की अधिकता यश में बनी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो दिन होंगे दोस्तों सेहत ठीक ना रहने की वजह से मानसिक रूप से आप थोड़ा सा कमजोर महसूस करेंगे। मन किसी बात से संतुष्ट नहीं रहेगा, लेकिन दोस्तों यह समय लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में अधिक ना सोचें। जितना हो सके उतना वर्तमान में रहकर जीने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों आज के दिन अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे काफी समय से रुकी हुई व्यावसायिक गतिविधियां अब सुचारू रूप से चलेंगी। प्रतिद्वंदियों की जो गतिविधियों को यह समय आप नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। ऑफिस में अपने ही जो है काम पर ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत होगी। यश में बॉस की नाराजगी सहन करनी आपको पड़ सकती है। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों काम संबंधी जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से मानसिक तनाव भी यह समय रख सकता है, या फिर ज्यादा ओवर टाइम भी यश में आपको काम करना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों कार्य क्षेत्र में पूर्व में ही की गई मेहनत के उत्तम परिणाम यश में आपको हासिल होंगे। लोग आपकी बुद्धिमत्ता कार्य क्षमता के कायल हो जाएंगे। युवाओं को जॉब और फिर करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने की भी संभावना बन रही है। परंतु दोस्तों किसी राजकीय मामले में परेशानी बनी रहेगी। ऑफिस में कामकाज को पूरी लग्न से करने की यश में आपके लिए आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे कार्य क्षेत्र में किसी भी अपरिचित इंसान की डील करते समय अधिक सावधानी बरतें, अन्यथा आप किसी साजिश या फिर षड्यंत्र के शिकार भी यह समय हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को हल्की फुल्की परेशानियां तो आएंगी, परंतु दोस्तों बुद्धिमत्ता तथा विवेक से आप सभी परेशानियों का हल भी शांतिपूर्ण तरीके से ढूंढ लेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो दिन होंगे मानसिक तनाव का असर आपके काम पर भी यश में दिख सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे कुछ नए व्यावसायिक अनुबंध भी यश में आपको प्राप्त होंगे जो आगे चलकर आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। दोस्तों पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में किसी विषय पर वाद विवाद होने की स्थिति भी बन सकती है। चल अचल संपत्ति में निवेश करने से पहले यश में सोचने यह आपके लिए उत्तम होगा। ऑफिस में तबादला अथवा किसी प्रकार के नुकसान होने से आपको भय रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो ये दोस्तों यह समय आपकी लव लाइफ के लिए जो समय होंगे पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों का पारिवारिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव यह समय पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों यश में सावधान रहें। दोस्तों यश में रिलेशनशिप से जुड़ी जो भी जिम्मेदारियां हैं यश में आपके ऊपर बढ़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों आज के दिन यश में आपके लिए जो समय होंगे आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए शॉपिंग संबंधी कार्यों में समय व्यतीत होगा, जिससे घर के सदस्यों के बीच खुशी भरा माहौल रहेगा। आपकी किसी परेशानी में नजदीकी मित्र की सहायता मिलेगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो दिन होंगे दोस्तों यह समय पारिवारिक माहौल सुखद बना रहेगा। प्रेमी या फिर प्रेमिका के लॉन्ग ड्राइव या फिर डेटिंग पर जाने का अवसर बनेंगे, तथा दोस्तों परिवार में आपका वर्चस्व यह समय बना रहेगा। दोस्तों यह समय कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों में बेहतर तालमेल बना रहेगा।
पति पत्नी के संबंध यश में मधुर रहेंगे। प्रेम प्रसंगों में भी किसी प्रकार की गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है, तो दोस्तों यह समय इनको लेकर सावधान रहें। अपने प्रेमी से या फिर किसी से बात करते समय यश में आपको अपने वाणी पर संयम रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, स्वास्थ्य आज के दिन अति उत्तम बना रहेगा। यश में किसी प्रकार की चोट लगने तथा गिरने की आशंका भी लग रही है, इसलिए दोस्तों यश में आप स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, अपने क्रोध व फिर आवेश पर काबू रखें, अन्यथा इसका नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। दोस्तों यश में ब्लड प्रेशर की भी नियमित जांच करवानी आपके लिए आवश्यक होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवस्थित दिनचर्या तथा खान पान की वजह से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा व्यवहार में सकारात्मकता बनी रहेगी। दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी रह सकती है, नियमित रूप से मेडिकल चेकअप आदि करवाएं तथा स्वयं भी मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।